छः स्कूल में उपस्थित सभी आचार्य महोदय हृदय में शिक्षकगण और आई विंग सोसाइटी राजस्थान कोटा चैप्टर के सेक्रेटरी श्री सरवाल साहब, अध्यक्ष आदरणीय इंद्र साहब, श्री जैन साहब के विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ पहुँचे थे। और मतदान से पहले मुझे बताया कि हम कुछ चर्चा तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर के बारे में भी करेंगे। वर्ल्ड नो टोबैको डे हर साल एक डेट मनाया जाता है। कोई बच्चा बता सकता है कि कौन सा डेट है उस दिन, किस दिन वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है? विश्व तम्बाकू निषेध दिवस, एनी आइडिया? 31 मई को हर साल वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। और इस साल की जो थीम है, वी नीड फूड नो टोबैको, हमें भोजन की आवश्यकता है, तम्बाकू की आवश्यकता नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं कि तम्बाकू विश्वभर में कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। आप में से किसी को आइडिया है कि कौन सा कैंसर सबसे कॉमन होता है जो लोग तम्बाकू खाते हैं? कौन सा कैंसर? फेफड़ों का? ब्लड कैंसर? माउथ? और आप लोग कौन सा कैंसर सबसे कॉमन होता है? माउथ कैंसर, बिल्कुल सही है। तो ओरल कैंसर का सबसे कॉमन कॉज है टोबैको च्यूइंग। और उसके साथ साथ में बॉडी के अंदर अनेकों प्रकार के कैंसर होते हैं, जैसे कि लंग कैंसर जो स्मोकर को होता है, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर वो भी तम्बाकू वाले ज़्यादा होता है, स्टमक का कैंसर, ऐसे बहुत सारे कैंसर थे। तो तम्बाकू खाने से हर साल हमारे देश भर में 13,50,000 से अधिक मौतें होती हैं और पर डे लगभग 11,000 व्यक्ति तम्बाकू के कारण बीमार पड़ जाते हैं या मृत्यु प्राप्त होते हैं। तम्बाकू एक बहुत बड़ा एक तरह की मतलब नशा है, बहुत बड़ी समस्या देश के लिए। और आइए हम सब मिलकर तम्बाकू छोड़ने का संकल्प लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि तम्बाकू की जो लत होती है वो टीनेजर से स्टार्ट होती है। जब हम बच्चे होते हैं, जब हम किशोरावस्था में होते हैं, तो बॉडी के अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, मस्तिष्क के अंदर परिवर्तन होते हैं। उसकी वजह से जो पीयर प्रेशर होता है, कोई आदमी स्मोकिंग करता जाके तो दूसरे को बताया था कि तू भी करने लग गया, ताकि क्या है उसकी कंपनी बढ़े। इसलिए पीयर प्रेशर होता है, जो स्मोकर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर टीनेजर्स होते हैं। इसलिए हमें स्मोकिंग से दूर रहना है। स्मोकिंग या विमल गुट खाना, तम्बाकू खाना, पान मसाला चबाना, ये सब के सब एक ही तरह के निकोटीन एडिक्शन के लक्षण हैं। कोई स्मोक कर रहा है, तो कोई तम्बाकू चबा रहा है, तो कोई मतलब जर्दा खा रहा है। और जर्दा खाने वालों के लिए एक और चीज़ भी मैं बताना चाहता हूँ, कई बार जो लोग जर्दा चूना खाते हैं, चूना के साथ खाते हैं, उनकी आँखें खराब हो जाती है। आप कोई बता सकते हैं कैसे खराब होती है? सर ने बताया था नहीं, कैसे होती खराब? उसमें पाउच आता है, पाउच को जब बच्चा दबाता है फिर रोना मच के, तो पाउच में से चूना निकल जाता है। कई बार दोनों आँखें खराब हो जाती है। चूना आँखों के लिए बहुत टॉक्सिक है, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस का एक प्रमुख कारण चूना से इंजरी हुई होती है। दोनों का संबंध है आपस में, ठीक है ना? तो इसलिए तम्बाकू खाने वाले जो भी लोग खाते हैं वो ज़्यादा जैसा चूना यूज़ करते हैं। चूना जो होता है पाउच से इंजरी रहती है आँखों की और कॉर्नियल ब्लाइंडनेस रहती है। इसके साथ साथ हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि आप किसी भी वजह से तम्बाकू की लत के शिकार हो गए तो आप उसके कुछ उपाय नहीं, उसके लिए आप डिस्कस करें, मैं से डिस्कस करें, अपने फैकल्टी मेम्बर से डिस्कस करें, करें उनको छोड़ दें। हर साल 31 मई को जब वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है तो पूरे टाइम हमारे स्टाफ भी मतलब संकल्प रहते हैं, हम लोग संकल्प रहते हैं कि स्टाफ में भी कोई अगर तम्बाकू खाता है तो उसको हम संकाच देने के, लोगों को कैंसर हो रहा है, बीमारियाँ हो रही हैं। अगर हम आँखों की बात करें तो आँखों के अंदर तीन तरह की बीमारियाँ होती हैं जो तम्बाकू वालों होती है। उसको बच्चा बता सकता है कौन कौन सी बीमारियाँ आँखों में जो तम्बाकू खाने वालों में ज़्यादा होती है, सिगरेट पीने वालों होती है? कोई गैस कैथेट, यानी कोथिया